एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है? एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है? एनवायरमेंट हमारे आसपास जो भी है वो हमारा एनवायरमेंट है। हमारा सिटी है कटक, हमारा यूनिवर्सिटी बिलोंग्स करता है कटक से। तो कटक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। कटक एक सिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है जो कि हमारे एयर पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉल्यूशन करते हैं। तो इसी पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हम हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के पर्यावरण को हम कैसे साफ करते हैं, आइए देखते हैं। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला पहला जड़ है कचरा। लोग जहां कचरा वहां, तो ये सारे कचरे हमारे स्टूडेंट के हैं। कॉलेज के अंदर बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, कैफेटेरिया है, तो सारे जगह से हमारे ये कचरा आते हैं। ये सारे कचरे को साफ करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, जो कि सुबह शाम हमारे यूनिवर्सिटी के रास्ते और आसपास के जहाँ भी जगह कचरा हो रही है वहाँ साफ करते हैं। हमारा कॉलेज के कैंपस साफ है सिर्फ इन लोगों के वजह से जो कि सुबह शाम काम करते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी पर्यावरण है उसको साफ रखते हैं। तो ये सारे लोग जो कचरा मिलता है उसको एक जगह पर इकट्ठे करते हैं और उसको छोड़ के आते हैं। बाद में ये सारे कचरे को एक ही साथ हटाया दिया जाता है और हमारे ये कॉलेज के पर्यावरण को साफ कर देते हैं। तो इसी तरह हमारा कैंपस साफ रहता है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, तो हमें पर्यावरण कुछ ना कुछ देता है, इसके बदले हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस पर्यावरण की ध्यान रखें, इसके ख्याल रखें। तो जो भी चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जो कचरा है उसको हम कूड़ेदान या डस्टबिन में फेंकना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, यही हमारा पहला कर्तव्य है। हमारा पर्यावरण में जो प्रमुख है वो है पेड़ पौधे, जिसके बारे में हम बहुत सारे बुक्स में पढ़े हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इस सारे पेड़ पौधों को ख़त्म कर देते हैं। उनके हेल्प के बदले हम उनको क्या देते हैं? हमें आज के इस समय पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। हमारा इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाया गया है ताकि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उसको छांव मिले, उनको थकाव महसूस ना हो, इसलिए बहुत सारे पौधे लगाया गया है, पेड़ लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी टीचर्स है वो स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से क्या क्या होता है सब समझाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि प्लांटेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और प्लांटेशन कर रहे हैं। हमारा जो रेवेंसा यूनिवर्सिटी है वो हमेशा रेड और ग्रीन के कम्बिनेशन में रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। फुकट में ये हरा भरा नहीं है, इसलिए भी कई सारे कर्मचारी हैं जो कि काम करते हैं और कैसे ये कैंपस हरा भरा रहे उसके लिए सुबह शाम आकर पौधे को पानी देते हैं, पौधे के ख्याल रखते हैं, ये सब अपने काम को बहुत खूबी से करते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से उन सारे कर्मचारी जो हमारा कॉलेज के पर्यावरण को साफ रखते हैं और हमारे पर्यावरण की ध्यान रखते हैं, उन सब को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।
फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स का, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट की ख्याल रखें, कैसे हमारा पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ये सारे चीज़ें हमें सिखाते हैं।